हम फाइनली चंद्रावती पहुंच चुके हैं। ये बनारस रास्ता चला जाता है और इधर पे देखा जाए तो ये गाजीपुर चला जाता है और ये आपका चंद्रावती है। यहीं से जब हम दाहिने साइड मुड़ेंगे तो ये रास्ता अंदर की तरफ चंद्रावती घाट की तरफ चला जाएगा, जहाँ पे जैन मंदिर है और इसका बोर्ड है। हम जैन मंदिर पहुँच चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये जैन मंदिर का सबसे विस्तार रूप लिया जाता है। यहाँ माना जाता है कि चंद्र प्रभु नाथ यहाँ पे जन्म लिए थे और ये स्थान है, और हम यहाँ अपने गेस्ट को बहुत बार लेके आते हैं मंदिर में घुमाने के लिए। तो यही घाट है दोस्तों, जहाँ पर गंगा तट पर बनेगा जैन तीर्थंकर घाट। और मैं बता दूं कि पूरा 17 करोड़ का यहाँ पे नया घाट बनेगा। इसका योगी जी आपका उन्होंने आदेश दिया है कि यहाँ पे जैन धर्म के लिए और यहाँ पे बनाया जाए। तो इसमें क्या डिटेल्स है ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो पे बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। तो ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर का देख रेख करते हैं, और मैं इनसे बात किया, बहुत कुछ जानकारी लिया यहाँ के बारे में। तो मुझे पता चला यहाँ की दूरी की बात की जाए तो बनारस से अपना यहाँ पे 23 किलोमीटर दूरी है, जो कि गंगा के किनारे पे स्थित है। और ये घाट काफ़ी सुंदर बनने वाला है। जो तीन, तो ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये आपका मंदिर का परिसर ही है, और ये मंदिर यहाँ पे एक ही मंदिर है, और इसके जस्ट सामने भी एक मंदिर है जहाँ पे जन्मस्थली है। तो बाकी इस वीडियो में मैं बहुत कुछ दिखाऊंगा दोस्तों, तो मैं दिखाऊंगा आपको बैक कैमरे से, तो बैक कैमरे से आपको मैं भी दिखाता हूँ। तो अभी देखेंगे आपकी पूरा यहाँ से, जो बाढ़ का समय आता है तो गंगा जी में बाढ़ आती है उफान पे, तो पानी ऊपर तक चला आता है, तो बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो मनोहर दृश्य होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जो मीडिया को न्यूज़ दिया गया है कि 200 मीटर लंबा होगा ये घाट और 3 प्लेटफार्म पे बनेगा, और यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी ने बताया कि चंद्र प्रभु की जन्मस्थली के पास लगभग 200 मीटर लंबा पक्के घाट का निर्माण होगा, तीर्थार्थियों की सुविधा और घाट को देखने में सुंदर लगेगा। तो ये है मंदिर का शिखर जैसा आप देख सकते हैं, और पुराना तो मंदिर खैर है ही, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी होनी है। तो अभी यहाँ पे जैसे भी चलना शुरू भी हो गया है, लेकिन अभी जैसे भी चला के आप क्या करेंगे, कुछ दिनों में मानसून आ जाएगा, तो ये पूरा इको फ्रेंडली होगा दोस्तों। पार्किंग होगा, हेरिटेज लाइट, बैठने के लिए पत्थर के बेंच बनेंगे, पत्थरों से बनी जाली नुमा खूबसूरत रेलिंग लगेगी, तो जैसा आपका नमो घाट है कुछ ऐसा ही दिखने में लगेगा। लेकिन ये जैन घाट का है तो फिर जैनिज्म के लोग यहाँ बहुत जाएंगे, बाकी टूरिस्ट तो जाएंगे ही। और ये जहाँ तक प्रस्तावित डेट है इसका, 2024 तक का डेट है इसको कंप्लीट करने का। तो देखिए जैसे भी चलना शुरू हो गया, ये रास्ता है जहाँ से हम मंदिर की तरफ जाते हैं। तो चलिए नीचे, और यहाँ पे कुछ मंदिर है और सामने देख रहे हैं जैन मंदिर का मुख्य मंदिर है, तो यहीं पे एक लोग रहते हैं, उनसे मेरी बात हुई, वही सब कुछ यहाँ पे करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।